Okay, thank you. So let us start the class after this break. So these are the problems. Some of them are going to be solved in the class, whereas the remaining are going to be considered as a non-submitted homework. Non-submitted homework. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम ये chapter complete कर लेंगे तो probably आपको assignment number one मिलेगी, जो कि इसी chapter के मुख्तलिफ topics के हवाले से कुछ questions आपको as assignment के तौर पर दिए जाएंगे. शायद वो इनमें से हों, शायद वो कुछ और प्रॉब्लम्स हों. बहरहाल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट जो कि आपने सॉल्व करके सबमिट करवानी होगी ऑन एमएस टीम्स. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल 12-15. यू हैव अ रेस कार व्हिच इज ट्रेवलिंग अराउंड अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक व्हिच हैज अ रेडियस ऑफ 300 फीट. सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस ट्रैक इज गिवन टू यू एज 300 फीट. If the car increases its speed at a constant rate of 7 feet per second square, so 7 feet per second square, as the units indicate, feet per second square is ये इसका मतलब क्या है कि ये acceleration के units हैं. अब ये acceleration जो आपको given है, ये क्या ये total acceleration है या उसका कोई component आपको given है? और कैसे आप judge करेंगे? जी, कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट. ट्रांजिशनल ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है. कैसे आप जज करेंगे जब भी आपको वर्डिंग इस तरह की गिवन हो कि द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है उसकी इंक्रीज या डिक्रीज. अभी जिस तरह बात हुई थी, आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इट इज वी डॉट विच रिप्रेजेंट्स के स्पीड के मैग्नीट्यूड में कितनी चेंज आ रही है. तो जब भी टेंजेंशियल कंपोनेंट की हम बात करते हैं वो स्पीड के मैग्नीट्यूड की चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो जब भी ये वर्ड इस्तेमाल हो कि द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस एंड दिस, तो बेसिकली वो टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात हो रही है. तो यहाँ ये जो 7 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है और यहाँ आपको गिवन है कि ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इट इज कॉन्स्टेंट विच इज 7 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. So 80 आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. यू नीड टू डिटरमिन द टाइम नीडेड फॉर दिस कार टू रीच एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो है ये आपकी टोटल एक्सेलरेशन है. अब आपने करना क्या है कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है, इतने रेट के साथ उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है. यू नीड टू डिटरमिन कि कितने टाइम में उसकी टोटल एक्सेलरेशन जो है वो 8 फुट पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो पहुंच जाएगी. What is its speed at that instant? उस instant पे इस कार की स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आपने जो है वो डिटर्मिन करना है. कुछ आइडिया दें, कोई एक वॉलेंटियर स्टूडेंट अपने माइक को अनम्यूट करके जिसको जवाब आता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी क्लास को. यस सर. सर सर्कुलर मोशन लेंगे, ac = v² / r, तो v² 8 ले लेंगे और टाइम मालूम कर लेंगे. v स्क्वायर 8 क्यों लेंगे? नहीं सॉरी सर, मुझे लगा कि एक्सेलरेशन की बात. कोई और स्टूडेंट जवाब देना चाहे कि कैसे सलूशन किया जा सकता है इसका? अभी हमने बात की थी कि आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन होती है वो at vector + an vector होता है. एक्सेलरेशन वेक्टर at vector + an vector के बराबर होता है. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो a should be equal to at² + an² √. ये आपको गिवन है विच इज 8. सो द टोटल एक्सेलरेशन 8 है जिसपे आपने फाइंड करना है. ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कॉन्स्टेंट विच इज 7. an is v² / r. तो किसी तरह अगर आपको v पता चल जाए तो आप जो है वो ये डिटरमिन कर सकते हैं. ऐसे ही है? यस सर. यस सर. ठीक है, तो वो v कैसे पता चल सकता है, कोई आइडिया नहीं सर? पहले an मालूम करेंगे. तो an कैसे मालूम करेंगे? अच्छा चलें an मालूम कर लेंगे. इसमें तमाम चीजें मुझे नोन है, इस इक्वेशन में 8 भी नोन है, रॉ भी नोन है. तो यहां से मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे
v की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी कोई ना कोई, ऐसे ही है। yes, sir. ये v रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा, ये उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जब एक्सेलरेशन हमारे पास 8 फुट पर सेकंड स्क्वायर बन गई है। तो v आ गया वो। उसके बाद हमें, यानी हमने ये पार्ट तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें ये कैसे मिलेगा, डिटरमिन द टाइम नीडेड फॉर इट टू रीच एन एक्सेलरेशन, टाइम कैसे मिलेगा वो? सर उस वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे 7 के ऊपर। ये कौन सा फार्मूला है, ये थोड़ा सा मुझे बताने बताएंगे। रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना। तो कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं आप, ये थोड़ा सा इक्वेशन बता दें। अभी हमने बात की थी कि स्ट्रेट लाइन मोशन के तमाम अदद, तमाम वो फॉर्मूले, तमाम वो काइनेमेटिक्स वो हम अप्लाई कर सकते हैं अलोंग द टी एक्सिस, ऐसे ही है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो इट मींस कि उन तीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं टाइम फाइंड करने के लिए। कौन सी इक्वेशन मैं यूज करूंगा? v equal to v naught plus act, v naught zero हो जाएगा क्योंकि वो rest से start हुआ है, v की value मुझे यहाँ से already known होगी, ac मुझे known है, तो यहाँ से मुझे time की value मिल जाएगी। clear है solution? थोड़ा सा हम अब देख लेते हैं solution को हमने किस तरह solve किया है। जिस तरह अभी बात हुई थी v equal to v naught plus act वाली equation में पता है, इससे हमारे पास v 70 आ जाएगा, लेकिन चूंकि time अभी unknown है तो v हम नहीं find कर सकते। हम पहले use करेंगे ये वाला formula जिसमें हम कहते हैं टोटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गोइंग टू बी at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, at an ये हमें इस फॉर्म में गिवन है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें टाइम और वेलोसिटी दोनों चीजें जो है वो मिल जाएंगी। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है इसमें? प्रोसीजर वही है जो अभी इससे पहले हमने किया था। an की वैल्यू v स्क्वायर ओवर रो है जो कि 0.163 t स्क्वायर आ जाती है, यहाँ से टाइम और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। या अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि ये वाला स्टेप आप बाद में करें, आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, यू स्टार्ट योर सॉल्यूशन फ्रॉम हेयर, यहाँ से आपको डायरेक्टली v की वैल्यू 34.12 मिल जाएगी, उस v की वैल्यू को आप यहाँ पुट करके टाइम निकाल सकते हैं विच इज 4.87 सेकेंड। चॉइस इज अप टू यू। कोई क्यूरी किसी की? नो सर, आसान है। चलें अब थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम करते हैं इस टॉपिक से रेलेवेंट, विच इज एग्जांपल 12-16। आपके पास एक बॉक्स है जो कि पॉइंट ए से रेस्ट से स्टार्ट करते हैं एंड इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड। अब ये दोबारा वर्डिंग देखें, इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड सच दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू एज at इक्वल टू 0.2 टी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। You need to determine के जब ये box point B के ऊपर पहुंचेगा तो what is going to be the magnitude of its acceleration? ठीक है, आपने point B के ऊपर इसकी acceleration का magnitude क्या होगा वो determine करना है। Now since point B lies on the curve path, so it means कि आपकी ये जो acceleration होगी ये tangential component और normal component दोनों से मिला के बनेगी। यानी ए बी की वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी ए टी वैक्टर प्लस ए एन वैक्टर, इन दोनों का वैक्टर सम होगा। और इन अदर वर्ड्स हम अगर स्केलर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर होल अंडर रूट से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? कोई एक स्टूडेंट जो थोड़ा सा सोल्यूशन को बताना चाहे, कोई आइडिया देना चाहे? Excuse me, sir, A से 3 मीटर नीचे पहले एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से सर्कुलर एक्सेलरेशन मालूम करेंगे A C equal to V square divided by R, तो दोनों एक्सेलरेशन की फिर अंडर रूट लेंगे सम। ओके, एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन? कोई और बेहतर आंसर? ऑल्दो आप कह सही रहे हैं लेकिन वो उसे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए अभी बात हुई है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन बी की होगी दैट इज गोइंग टू बी ए टी बी विच रिप्रेजेंट्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट,
प्लस ए एन बी विच रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. जो ए टी बी है वो आपको गिवन है विच इज 0.2, और टी की बजाय मैं टी बी लिख लेता हूँ, यानी टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आप इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं अगर आपको टाइम टी बी पता हो. इसी तरह अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट की बात करूं ए एन बी, वो आपके पास किसके बराबर होता है, वो होता है वी बी स्क्वायर ओवर रो. तो अगर आपके पास वी बी पता है तो आपको टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट पता चल जाएगा. इट मीन्स के अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रिटिकली देखूं तो मुझे टी बी और वी बी किसी तरह पहले फाइंड करना है, तब मुझे टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट मिलेगा, और टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट मिला के फिर आपका जो है वो टोटल एक्सेलरेशन बनेगी. तो ये टाइम और वेलोसिटी ये कैसे मिलेंगे मुझे? थोड़ा सा सोच लें, मैं भी थोड़ी सा ब्रेक ले रहा हूँ. ब्रेक मीन्स के क्लास चल 20 सेकेंड या 30 सेकेंड आपके पास हैं. हर स्टूडेंट सोच ले और उसके बाद जो भी जवाब देना चाहता है एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि ये टी बी और वी बी हम कैसे डिटरमिन करेंगे इस केस में. जी एनीवन वॉलंटियर जो जवाब देना चाहे. इस केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है ना? जी नहीं, हमें गिवन है कि एटी जो है इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम रादर देन कांस्टेंट एटी, जिस तरह पिछली एग्जांपल में था. इसमें कांस्टेंट नहीं है बट एटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन नॉट अप्लाई दोस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस. सर अगर हम एक्सेलरेशन वाले उसको करें इंटीग्रेट तो वेलोसिटी का फंक्शन निकलता है, इस तरह कुछ करना है? बिल्कुल ठीक है. और फिर हम वेलोसिटी को भी दोबारा ds by dt से इंटीग्रेट करें तो हमें s as a function of t निकल आएगा. ठीक है, s पता ही है थोड़ा बहुत कि क्या क्या है. आपके पास at जो होता है वो बेसिकली dv by dt होता है और वो आपको गिवन है 0.2t. सो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, थोड़ा सा इस तरफ और से देखें. आपके पास जो एक्सेलरेशन है जो कि dv by dt के बराबर होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आपको 0.2t गिवन है. सो dv वुड कम्स आउट टू बी 0.2dt. जिस तरह से मैंने इससे पहले मैंने कहा था कि चूंकि आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट और वेलोसिटी एक ही एक्सिस के अलोंग आ रही होती है तो देयरफॉर जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन की काइनेमेटिक्स हैं वो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं. बेशक वो तीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन है, अगर आपको गिवन हो at कांस्टेंट है तो आप उन तीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो तीन जनरल इक्वेशंस जो पढ़ी थी हमने बिल्कुल पहली तीन इक्वेशंस पहले टॉपिक में उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं. यहां चूंकि at इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो रादर देन यूजिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन आपने वो जनरल इक्वेशन इस्तेमाल की है. सो dv इक्वल टू 0.2t और फिर आपने इंटीग्रेट कर लिए विद इन द लिमिट 0 टू t एंड 0 टू v. सो यहां से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आए. इसी वेलोसिटी को जब आप दोबारा डिफरेंशिएट दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा. लेकिन क्या आपको a से b तक का s नोन है? a से b तक स्ट्रेट लाइन पाथ है जो कि 3 मीटर का है और उसके बाद एक अदद कर्व पाथ है जो कि 2 मीटर रेडियस का है. तो अगर एक कर्व आपको गिवन हो, क्वार्टर सर्कल गिवन हो और मैं आपसे कहूं कि इस क्वार्टर सर्कल का पैरामीटर फाइंड आउट करें, तो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है? इट इज 2πr. तो क्वार्टर सर्कल का पैरामीटर होता है 2πr डिवाइड बाय 4. इसी तरह सेमी सर्कल का क्या होता है? 2πr डिवाइड बाय 2. सो ओवरऑल a से b तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स प्लस 2πr डिवाइड बाय 4. सो s आपको पता है पॉइंट b तक का व्हिच इज 6.14 मीटर्स. अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे v को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी जो है वो डी एस बाई डी टी के बराबर होता है. सो डी एस शुड बी इक्वल टू 0.1t² dt. दोनों साइड्स को आपने इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू s, 0 टू t. यहाँ से आपको टाइम
टाइम की वैल्यू मिल जाएगी विच कम्स आउट टू बी 5.69 सेकंड सिंस एसबी इज नोन टू यू विच इज 6.14 मीटर. सो वंस यू हैव फाउंड दिस टाइम, इस टाइम को आप इस वेलोसिटी में पुट करें, आपको वीबी की वैल्यू मिल गई. जब वीबी और टाइम दोनों मिल गए तो फिर आप टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड कर लें एंड द ओवरऑल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर होल अंडर रूट. तो समझ आ गया रे के सोल्यूशन? कोई चीज, कोई क्यूरी आपकी हो जो आप पूछना चाहें? जी, इफ यू हैव एनी क्यूरीज रेलेवेंट टू दिस केस यू कैन आस्क. जिस तरह भी हमने पीछे स्लाइड पे बताया था कि हमें ए बी फाइंड करने के लिए जो दो क्रिटिकल चीजें चाहिए, वो दो क्रिटिकल चीजें थी, वन इज टाइम कितना लगा इसको ए से बी तक पहुंचने के लिए, और दूसरा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बी तक पहुंचते पहुंचते. तो अगर हमें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वी विल बी एबल टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट पॉइंट बी. इन दोनों चीजों को डिटरमिन करने के लिए फिर हमने ये सारी काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल की हैं. चूंकि वी हमें गिवन था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने जनरल इक्वेशंस की मदद से इसको इंटीग्रेट किया. तो हमें एटी हमें गिवन था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया, और उसकी मदद से फिर हमने ये तमाम चीज़ें जो है वैल्यूएट कर ली. इसमें जो एक चीज़ हमें नोन थी वो ये थी कि पार्टिकल जो है वो ए से बी तक ट्रेवल करते करते कितना एस कवर करेगा. वो ये 3 मीटर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है और ये कर्व में 2 मीटर की कर्व है, तो कर्व में ये क्वार्टर सर्कल कवर कर रहा है. तो रेडियस पैरामीटर ऑफ अ सर्कल हमें 2πr के तौर पे नोन होता है, तो क्वार्टर सर्कल का पैरामीटर जो है वो 2πr/4 होगा. तो इसकी मदद से हमने 6.14 sb फाइंड कर लिए एंड देन द प्रॉब्लम हैज बिकम सिंपलर. जी, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? जी अब्दुल्ला लखती, यू आर रेजिंग योर हैंड. जहाँ पे हमने ds की वैल्यू पुट की है 6.14, इस इक्वेशन में आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0.03. 0.3 नहीं होगा? कहाँ लिखा हुआ है 0.03? अच्छा, ये सॉरी 0.1t³/3, सो 0.1/3 चेक कर लें, इट इज 0.33 आई थिंक. ठीक है सर, वो करेक्शन कर लीजिएगा, काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा. इट इज आई थिंक 0.333t³. जी, और कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहें आप इस प्रॉब्लम से रेलेवेंट? नहीं, 0.1/3 इज 0.033. आई हैव चेक्ड अगेन, 0.1/3 इज 0.33. ठीक है, ओके. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन जो कि आप पूछना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के? सो शेल वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम. हम एक्सरसाइज का एक आधी प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑफ सिमिलर पैटर्न, जिसमें आपको यही ए एन और ए टी को इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन जो है वो डिटर्मिन करनी है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज 12-141, इन विच वी हैव अ पार्टिकल दिस ट्रक एंड इट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ सर्कुलर रोड सच दैट its speed such that the radius of the circle is given to you as 50 meter. So aapke paas ye jo curve hai iska radius given hai which is 50 meter, and this truck is traveling at a speed of 4 meters per second. So it is not at rest, rather this truck is traveling at a speed of 4 meters per second. Now at this instant, for a short distance when t equal to 0 and this truck is already traveling at 4 meter per second, its speed is then increased at a rate of 0.4 t meter per second square. So this truck was already traveling at 4 meter per second, aur iska jo v dot hai wo as a function of time ke taur pe aapko given hai. So v dot basically kya hota hai? Tangential component hota hai. So in other words, aapko ye tangential component of acceleration jo hai that is given to you as 0.4 t meter per second square. You need to determine the speed and magnitude of truck's acceleration after t equal to 4 seconds. So, थोड़ा सा सवाल को समझ लें. आपके पास एक ट्रक है जो एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है और ये 4 meter per second की वेलोसिटी से ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा होता है. यहाँ से इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इस रेट के साथ जो है वो चेंज होता है. आपने डिटरमिन करना है कि t equal to 4 के ऊपर ये ट्रक कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा.
और इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगेन आपकी तरफ मैं आता हूँ, कोई एक स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा सोल्यूशन को बता सके कि किस तरह आपने सोल्यूशन करना है। एनीवन वॉलंटियर स्टूडेंट? सर ये जो स्पीड ऑफ 4 मीटर सेकंड है वी नॉट है ना बेसिकली, जिसके बाद बिल्कुल ये वी नॉट है, और फिर इस पॉइंट से ऑनवर्ड स्पीड 0.4 t के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो सर एक्सेलरेशन भी फिर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरिंग। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेरिंग विद टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम 0.4 t। सर इसमें फिर वही करेंगे हम पिछले मेथड की तरह नहीं। ओके ठीक है, हमें हमें वी डॉट जो कि डीवी बाई डीटी के बराबर होता है इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कराने का मकसद क्या है कि थोड़ा सा आप जरा सोल्यूशन गौर से देखें। एक छोटी सी चेंज आपने इसमें करनी होगी, और वो चेंज क्या होगी कि आप उसी तरह कहेंगे कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो कि वी डॉट या डीवी बाई डीटी के बराबर होता है, that is given to you as 0.4 t, so dv would become 0.4 t dt। लेकिन आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि आंखें बंद करके हमेशा जीरो से ऑनवर्ड नहीं कर देना। यहाँ द ट्रक वॉज ऑलरेडी ट्रेवलिंग एट 4 meter per second, तो आप v की जो लिमिट लगाएंगे वो 4 वाली लगाएंगे rather than from 0 to v। ये क्वेश्चन कराने का टोटल मकसद ये है, वरना तो इसका सोल्यूशन बड़ी हद तक सिमिलर है पिछले सोल्यूशन की तरह, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमेशा आंखें बंद करके जीरो से इंटीग्रेट नहीं कर देना लोअर लिमिट। इस क्वेश्चन में गिवन था आपको कि द ट्रक वॉज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 meter per second, सो यू नीड टू पुट अ लिमिट ऑफ 4 वंस यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी। सो लेफ्ट साइड पे चूंकि आप वी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो आपने 4 से वी और राइट साइड पे 0 से टी तक इसको इंटीग्रेट करने। सो वंस यू इंटीग्रेट इट दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन व्हिच इज वी इक्वल टू 0.2 t² + 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 4 वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी टू बी इक्वल टू 7.2 meter per second। सो दिस ट्रक वुड बी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 7.2 meter per second आफ्टर टी इक्वल टू 4 सेकेंड। इनिशियली देखें ये 4 के साथ ट्रेवल कर रहा था, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, ये 80 इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 7.2 meter per second आपके पास आ गई है। सो वंस यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ वी, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, तो इससे पहले जिस तरह हमने कहा था आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन होती है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स। जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है वो आपको गिवन है, इट इज 0.4 t, so putting the value of t equal to 4 in this case आपको जो tangential component है वो मिल जाएगा 1.6 meter per second square। जहां तक ताल्लुक normal component का है तो ये हमेशा हमारे पास v square over rho होता है, v आप find कर चुके हैं which is 7.2, rho आपको पता है which is 50 meter, so the normal component of acceleration comes out to be 1.037 meter per second square, so the vector sum of at and an would give you the टोटल एक्सेलरेशन। यहाँ चूंकि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया इस एक्सेलरेशन का, तो सिंपली हम मैग्नीट्यूड के लिए at² + an² होल अंडर रूट कर लेंगे, जिससे हमारे पास मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का आ जाएगा 1.907 meter per second square। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या किसी की कोई क्यूरी है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं? ओवरऑल इस टॉपिक के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क नाउ। जी एनी क्वेश्चन? क्लियर क्लियर है? चलिए तो बाकी प्रॉब्लम्स को मैं आपको एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे कहता हूँ। तो एज सच अगर हम इस वीक को समराइज करें, इन दिस करंट वीक हमने 2 टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। वन वॉज द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसको हमने जो प्रॉब्लम्स रह गए थे वो कवर किए। आई होप के कल की क्लास के बाद कुछ टाइम मिला हो अगर आपको, तो आपने जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है प्रोजेक्टाइल के उनको जाके सॉल्व किया होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम्स जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो उसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह हमने क्लास में जो है सॉल्व किए हैं। आपने जब भी किसी प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस करनी होती है तो
वो चार इक्वेशन हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं. वन इज द हॉरिजॉन्टल मोशन इक्वेशन जो कि रेंज के लिए हम जनरली इस्तेमाल करते हैं. द अदर थ्री आर द वर्टिकल मोशन इक्वेशन जिसको हम टाइम या फाइनल वेलोसिटी के हवाले से फाइंड कर रहे होते हैं. तो प्रोजेक्टाइल के हवाले से हमने बात की, उससे रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए. उसके बाद फिर हमने काइनेमेटिक्स देखी इन टर्म्स ऑफ एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस तरह हम डिफाइन करते हैं इन एक्सिस को, किस तरह हम फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम. और उसके बाद फिर हमने इससे रेलिवेंट जो है वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी कोशिश होगी कि हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, तो प्रॉब्ली वो थोड़ा सा आपको समझने में ज्यादा आसान होगा. एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए नया था, लेकिन एटलीस्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो उन्हीं पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम एक्सटेंड कर देंगे थ्री डायमेंशन में और आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में काइनेमेटिक्स आ जाएगी जिसको हम डेवलप करेंगे. और फिर उसके आखिरी दो टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं जो कि इंटरकनेक्टेड मोशन और रिलेटिव मोशन एनालिसिस के हैं, उसको भी जो है वो हम देख रहे होंगे. इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट वीक एटलीस्ट आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाए, या अगर ख़त्म नहीं भी होता तो बढ़िया तक कवर हो जाए और हम छठे वीक में इसको ख़त्म करके फिर काइनेटिक्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएं. एटलीस्ट काइनेमेटिक्स आपको जब क्लियर हो जाएगी, काइनेटिक्स जिस तरह मैंने शुरू में बताया था, काइनेटिक्स का मतलब हर किसी ये नहीं है कि आप चैप्टर नंबर 12 को अपने जहन से जो है वो भुला दें. जहाँ जहाँ काइनेटिक्स में भी आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो काइनेमेटिक्स वाले इस चैप्टर की ही हेल्प ले रहे होंगे. तो काइंडली ये चैप्टर आपने अच्छी तरह समझना है. ज़्यादा टाइम इस चैप्टर पे देने का मकसद ही ये था कि आपको ये चैप्टर की चीज़ें बार बार अगले चैप्टर्स में इस्तेमाल करनी होगी. तो कोशिश करें कि आपकी जितनी डाउट्स हैं, जितनी क्यूरीज हैं, वो इस चैप्टर के एंड पे क्लियर हो जाएं, ताकि काइनेटिक्स में जहाँ जहाँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़े तो डायरेक्टली आप इस चैप्टर नंबर 12 की इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकें. ओके, सो विद दिस हम क्लास जो है वो यहाँ स्टॉप करते हैं. मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपकी अटेंडेंस लिस्ट. सो अटेंडेंस लिस्ट मेरे पास आ गई है. इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रेलिवेंट टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक रेलिवेंट टू दिस चैप्टर विच वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ, आप वो पूछ सकते हैं. अगर वो कोई क्यूरी नहीं है तो वी कैन स्टॉप टुडेज मीटिंग हियर. ऑल्दो टाइम तो 13 या 14 मिनट बचे हुए हैं क्लास में, लेकिन चलिए वो आप एज अ ब्रेक के तौर पर ले लें अपनी अगली क्लास में. कोई चीज़ जो आप पूछना चाहेंगे? यार मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक आपसे पिछले वीक की स्लाइड भी मैं शेयर नहीं कर सका था, इस वीक की स्लाइड भी आपसे आज के लेक्चर के बाद शेयर कर दूं. दूसरा, अब्दुल्ला लियाकत, यू वर द ओनर ऑफ लास्ट वीक रिकॉर्डिंग. शो कहां पे हो? चैट में शो नहीं हो रही. आप अपनी एमएस स्ट्रीम्स पे, आप सिंपली गूगल पे एमएस स्ट्रीम्स लिख के लॉग इन हो और वो आपसे आपका लॉग इन पासवर्ड पूछेगा. आप वो लॉगिन पासवर्ड डाल के ना माइक कंटेंट पे जाएं, उसमें वीडियोस देखेंगे तो आपको नजर आ रही होंगी. उन वीडियोस में जाके या तो आप मुझे ओनर बना दें उसका, यानी उसमें आगे तीन बटन नजर आ रहे थे, आप मुझे ओनर बना दें. साथ आपके लिए भी यही है कि आज की रिकॉर्डिंग का मुझे आप ओनर बना दें ताकि एटलीस्ट वो मुझे नजर आ रही हूं. अभी बंद कर दो रिकॉर्डिंग. हाँ, रिकॉर्डिंग बेशक बंद कर दें, उसके बाद फिर हम क्लास भी खत्म कर देते हैं. लेकिन आप दोनों काइंडली, अब्दुल्ला और साथ